जुमा के दिन कबूलियत की घड़ी कौन सी है, वो कौन सा वक्त है कि जब इंसान दुआ मांगे तो उसकी दुआ कबूल हो जाएगी? तो उसका जवाब ये कि हदीस पाक के अंदर जुमा के दिन कबूलियत की घड़ी का जिक्र ज़रूर आया, लेकिन वो वक्त कौन सा है इसके बारे में उलमा के दो कौल हैं। एक कौल ये है कि असर से लेकर मगरिब तक का वक्त, इसके अंदर वो घड़ी आती है कि जब इंसान उस वक्त जो भी दुआ मांगे उसकी दुआ जो है वो कबूल हो जाती है। और दूसरा कौल ये है कि इमाम साहब जब निकल कर मिंबर पर बैठ जाते हैं और उनके बैठने से नमाज के इख्तिताम तक ये वक्त ऐसा है कि उस वक्त के दौरान अगर जो दुआ मांगी जाए वो दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन इनमें से पहला कौल असर ता मगरिब वाला जो है वो ज़्यादा मजबूत कौल है, राजे कौल है, और इसी को ही बुज़ुर्गों ने और उलमा ने ज़्यादा प्रेफर भी किया। और वो असर से लेकर मगरिब तक यौम जुमा को दुआओं में के अंदर मशगूल रहते थे, ताकि वो घंटा सवा घंटा जो टाइम होता है उसके अंदर वो दुआ ही मांगते रहते थे कि अल्लाह करे हमारी दुआ उस वक्त के मुताबिक हो जाए और हमारी दुआ जो है वो कबूल हो जाए। ये वजह है कि मिशकातुल मसाबी के अंदर आकर सलाम का फरमान है कि जुमा जो है वो सब अय्याम का सरदार, इसी में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, उनकी रूह को कब्ज़ की गई, और इसी में ही क़यामत का सूर फूंका जाएगा। तो लिहाजा तुम इस दिन मेरे ऊपर कसरत से जो है वो दुरूद व सलाम पढ़ा करो, तुम्हारा दुरूद व सलाम मेरे ऊपर पेश किया जाता है। और इसी तरह जामिल कबीर सुन्न अत-तिर्मिज़ी में है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आकर सलाम ने फरमाया कि वो घड़ी तुम तलाश करो जिसके अंदर दुआ कबूल की जाती है जुमा वाले दिन, और वो असर के बाद से लेकर सूरज के गरूब होने तक है। इसके ऊपर तो नस भी आ गई, तो ये नहीं, वो असर से लेकर गरूब आफ्ताब तक है। इस तरह एक और रिवायत के अंदर है कि अकलतम ने फरमाया कि जुमा के अंदर एक ऐसी घड़ी, ऐसा वक्त है कि बंदा जो भी अल्लाह से सवाल करता है अल्लाह उस सवाल को पूरा करता है, बंदे को अता करता है। तो लोगों ने पूछा कि हजूर वो कौन सा वक्त है, तो आपने फरमाया जब नमाज कायम की जाती है उस वक्त से लेकर इला इंसराफ मिन्हा, उसके इख्तिताम तक। अब दोनों अकवाल हैं, लेकिन राजे कौल जो मैंने कहा है बुजुर्गों और मुहद्दिसीन ने जिसको इख्तियार किया है वो असर से लेकर मगरिब तक का है। तो लिहाजा उस वक्त में अगर वो घड़ी किसी को नसीब हो जो दुआ मांगे तो इसकी वो दुआ कबूल हो जाती है।